हेलो गाइस, आज हम जानेंगे इस वीडियो में हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटीज ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट एंड ब्रिक्स। और इस वीडियो के अंत में मैं दूंगा आपको एक थम रूल, जो कि एक थम रूल होगा जो कि जितने भी आपको जगह होगी आपकी प्लॉट की, 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, उसको कॉस्ट कितना आएगा, उसका मटेरियल कितना आएगा, वो एक थम रूल के माध्यम से आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा, जो कि एक्यूरेट है 70-80%, जो कि आप रफ कैलकुलेट कर सकते हैं, रफ एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में अंत में ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वांटिटी निकालने से पहले आपको ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट पता होनी चाहिए, जो कि M5, M7.5, M10, M15, M20, M25। ये क्या होते हैं? ये होते हैं ग्रेड। M5 का जो होता है 1:2, 5:2, 10 जो कि इसका रेशियो होगा, क्योंकि ये होगा 1 सीमेंट, 5 होगा सैंड और 10 होगा एग्रीगेट। और हम इसको क्वांटिटी निकालने के लिए हमें ये ज़रूर लगते हैं, निकालने के लिए आपको ये रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। हम इस वीडियो में लेंगे आपको M20 का, जो कि 1:2, 1.5:3, जो कि नॉर्मली ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम इसको लेते हैं M20 ग्रेड को। ओके, M20 ग्रेड जो कि है हमारा, इसमें 1:1.5:3। ओके, 1 क्या है, 1.5 क्या है एंड 3 क्या है। ओके, जो इसमें 1 है वो है सीमेंट एंड 1.5 जो है वो है सैंड एंड 3 जो है वो है हमारा एग्रीगेट। ओके फाइन। ओके, ये जो हम 1.5, ये, और इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ओके, इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताना चाहूँगा जो यम और M20 है ये क्या है। यम यम जो है वो है मिक्स प्रोपोर्शन, 20 जो है ये। ओके, आपको कई बार पूछा होगा या फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कहना चाहूँगा, जो ये 20 जो है वो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ आफ्टर, जी हाँ, आफ्टर 28 डेज। ओके, तो ये M20 में का जो 20 है वो 20 जो है वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है आफ्टर 28 डेज। हम कैलकुलेट करते हैं इसके क्वांटिटीज। ओके, M20 का ग्रेड हमने लिख लिया 1:2, 1.5:3 रेशो, जो कि है। तो हम सबसे पहले हमें लिखाना होगा, हम जो कि लिखा रहे हैं 1 क्यूबिक मीटर के लिए, ये एक 1 क्यूबिक मीटर के लिए होगा, और उसका वेट ये है वेट वॉल्यूम। ओके, वेट वॉल्यूम है। ओके, हम इसके बाद निकालेंगे हमारा ड्राई वॉल्यूम, जो कि फॉर्मूला है ड्राई वॉल्यूम का, ड्राई वॉल्यूम। ओके, ड्राई वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है वेट वॉल्यूम इनटू 1.54, और जी हाँ, ये हम ये भी ले सकते हैं या फिर 1.57, दोनों में से हमें एक लेना होगा, तो हम लेंगे 1.57। तो वेट वॉल्यूम हमें पता है 1 है हमारा। ओके, 1 इंटू 1, जो कि हम ये लेंगे फॉर्मूले में 1.57, जो कि हमारा ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा, ड्राई वॉल्यूम जो कि होगा 1.57। ओके, हमें ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट किया है। हम अब के बाद जो निकालेंगे, जो कि होगा इसका प्रोपोर्शन का, जो कि M20 का जो है वो हमें प्लस करना होगा। जी हाँ, M20 का जो है हमें प्लस करना होगा, क्योंकि हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो हमें इसका जो M20 का जो सम होगा ये निकालना होगा, तो हम निकालेंगे इसमें सम ऑफ रेशो फॉर M20, जो कि इसका बेसिकली इसका निकालना है, इसका प्लस करना है। ओके,
प्लस, जो कि सैंड का क्या है 1.5 प्लस 3 जो कि है एग्रीगेट। ओके, इसका जो हम सम करेंगे वो आएगा, इसका टोटल जो आएगा 5.5। ओके, ये हो गया हमारा M20 का रेशो। ओके, ये और ये टू वैल्यू से हम सैंड एग्रीगेट और सीमेंट का क्वांटिटीज निकालेंगे, जो कि आप जो कि इसके नेक्स्ट पे आपको पता चल जाएगा कैसे ये इम्पोर्टेंट है और कैसा इसको यूज़ होता है। चलिए चलिए देखते हैं हम इसको आगे। ओके, नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। ओके, नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, सीमेंट का हम वॉल्यूम निकालेंगे। ओके, सीमेंट सीमेंट में ज़रा गौर से देखिए, सीमेंट का वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम। सीमेंट का जो वॉल्यूम होगा वो है फर्स्ट में जो है सीमेंट। ओके, उसका ले लेंगे हम सीमेंट का 1, जो कि हम इसका सम करके निकाला था, जो कि 5.5 आया था, उसको डिवाइड बाय 5.5, जो कि सिंपल है। आप कोई भी क्वांटिटी कैसे भी निकाल सकते हैं, कोई भी ग्रेड के अगर M15 भी होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको इसको खाली आपको समझना है, ये फॉर्मूले जो कि आपको बहुत आसानी से याद होगी और आपको बहुत काम आएंगे। ओके, ये सम ऑफ रेशो होगा इनटू, जी हाँ इनटू, हमने क्या निकाला था पीछे ड्राई वॉल्यूम जो कितना था 1.57, जी हाँ 1.57। इसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि सॉल्व करने के बाद हमको कितना आएगा 0.285 मीटर क्यूब। ओके, सीमेंट का जो कि आया है वॉल्यूम 0.285 मीटर क्यूब, पर हमें ये वैल्यू होना है केजी में। ओके, केजी में वॉल्यूम के लिए हमें और एक चीज़ पता होनी चाहिए, सीमेंट की डेंसिटी। ओके, सीमेंट की डेंसिटी, सीमेंट की डेंसिटी क्या होगी, कितनी होगी, जो कि आसानी से हमें याद करना है इसको 1440 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, ये है सीमेंट की डेंसिटी। इससे हम कैसे निकालेंगे देखेंगे हम, इसको यहाँ पर जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सीमेंट की डेंसिटी, जो कि कितनी है 1440, इसको हम सॉल्व करेंगे जो कि आएगा 411 केजी। ओके, अगर आपका 410 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है तो आपको उसको 411 कर लेना चाहिए। ओके, इतनी केजी सीमेंट लगेगी, 411 केजी हमें सीमेंट लगेगी। ओके, पर हमें सीमेंट को बैग्स में कितने बैग लगेंगे, अगर कोई पूछेगा हमें कितने बैग लगेंगे। ओके, आपको सीमेंट का आता है 50 केजी का बैग। ओके, नॉर्मली हम सीमेंट जो खरीदते हैं बाजार, जो कि मार्केट में, जो कि अल्ट्राटेक या फिर जेके सीमेंट, जो कि ऑर्डर ऑफ सीमेंट होगा, वो है 50 केजी का पर बैग आता है। ओके, 50 केजी, इसको हम सिंपली जो टिक की डिवाइड कर लेंगे 50 से, इसका आंसर कितना आएगा हमें, जो कि इसको हम सॉल्व करेंगे 411 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे को आएगा 8 बैग। ओके, ये निकल गए हमको 8 बैग सीमेंट, जो कि हमको M20 के रेशो में आएंगे। अब हम सॉल्व करेंगे सैंड। ओके, 8 बैग हमको सीमेंट के मिल गए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सैंड, सैंड का वॉल्यूम कितना होगा, जैसे हम पहले निकाले थे सीमेंट का वही वैसे ही स्टेप है, पर यहाँ पर जो कि सीमेंट के लिया था हमने 1, अब सैंड है, सैंड का कितना होगा, जो कि यह है सैंड, ये है सीमेंट, ये है एग्रीगेट। ओके, आपको याद होना चाहिए, आपको याद कर लेना चाहिए। ओके, 1.5 ये है सैंड। ओके, इसके बाद हम आपको सम ऑफ रेशियो जो कि इसका टोटल निकालने के बाद आया था 5.5 इनटू वेट ड्राई वॉल्यूम। ओके, ड्राई वॉल्यूम 1.57, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.428 मीटर क्यूब। ओके,
0.428 meter cube। ओके, जैसा सीमेंट की डेंसिटी थी वैसे ही सैंड की भी डेंसिटी होती है, जो कि हमको डेंसिटी ऑफ सैंड जो कि होती, जो कि सैंड की डेंसिटी होगी 1600 kg per meter cube। इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, इसकी वैल्यू लिए हम यहाँ पे 428 इंटू डेंसिटी ऑफ सैंड 1600 के जी पर मीटर क्यूब, जो कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 684.8 kg, जो कि होगा हमारा ये है सैंड। ओके, कैसा किया आपको रिवीजन बताता हूँ। ओके, 1.5 जो कि हमारा सैंड का प्रोपोर्शन है, 1.5 जो कि हमारा सैंड का रेशियो है वो लिया, टोटल ऑफ इसका M20 का टोटल लिया 1.5 + 3, इसका टोटल था। ये है ड्राई वॉल्यूम जो कि है वेट वॉल्यूम इंटू 1.75, जो कि वेट वॉल्यूम था हमारा 1 इंटू ये किया तो ये आया। ओके, इसको हम सॉल्व किए तो ये आया 0.428 meter cube, जो कि इसका हमने, जो कि इसको हम मल्टीप्लाई किया सैंड की डेंसिटी, 1600 kg per meter cube, इसको सॉल्व किया तो ये आया, क्योंकि सैंड हमें लगेगी 1 cubic meter के लिए 684.8 kg सैंड लगेगी। ओके, ये हमें, हमने क्या निकाला, सीमेंट निकाला, सैंड निकाला। अब नाउ एग्रीगेट, एग्रीगेट के बाद ब्रिक, ब्रिक के बाद थंब रूल जो कि आपको बहुत काम में आएगा। ओके, नाउ नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट जो कि हमारा लास्ट है इस प्रोपोर्शन में, इसके बाद ब्रिक्स एंड थंब रूल। ओके, थ्री को लिया 5.5 जो कि इसका पूरा टोटल है सम इन टू ड्राई वॉल्यूम 1.57, इसको सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया जो कि आएगा आंसर इसका 0.855 meter cube। ओके, यूनिट को लिखना ना भूले, यूनिट लिखने के लिए आपको इम्पोर्टेंट है, यूनिट आपको इम्पोर्टेंट देगा। ओके, नाउ सिंपल ये है डेंसिटी ऑफ, सबसे पहले हमने डेंसिटी ऑफ सीमेंट निकाला था जो कि 1440 एंड सैंड की 1600, तो वैसे ही एग्रीगेट की भी डेंसिटी होती है जो कि है 1450। कंफ्यूज ना हो, ये सीमेंट की नहीं है, एग्रीगेट की, एग्रीगेट की 10 प्लस है, तो ये सीमेंट की कितनी है 1040 + 10 इन इज इक्वल टू ये, क्योंकि ओके डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट, क्योंकि एग्रीगेट की डेंसिटी हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, जो कि 0.855 × 1450, इसका जो आंसर आएगा वो होगा एग्रीगेट का कैलकुलेट, जो वो होगा एग्रीगेट का केजी, कितना एग्रीगेट लगेगा आपको केजी में, और करने के बाद 1239.75, जो कि हमें इसको लेना होगा 1240 kg एग्रीगेट। ओके ओके, ये हमें को आया है 1240 kg एग्रीगेट लगेगा, जो कि M20 का होगा। हमने कैलकुलेट किया M20 का ग्रेड्स। ओके, इसमें क्वांटिटी आई की सीमेंट की 8 बैग्स, सैंड की 684.8 kg, एग्रीगेट की 1240, क्योंकि इसमें आएगा, अगर आपको, अगर आपको इसी तरह से M5, M7.5, M10, M15, M20 जो कि हमने अभी निकाला M25, अगर आपको ये निकालना है, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो मैं इसके ऊपर भी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ओके, अब हम निकालेंगे ब्रिक्स की क्वांटिटी जो कि होगा 1 cubic feet। ओके, 1 cubic feet में निकालेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए, मीटर में नहीं, क्यूबिक फिट में, क्योंकि ब्रिक्स का जो है वो फिट में निकालता, ब्रिक में
जो कि हमें इसके लेंथ पता होनी चाहिए, जो कि लेंथ होती है 19 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो होती है वो है 9 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ होती है वो है 9 सेंटीमीटर। ओके, ये स्टैंडर्ड है क्योंकि 19 × 9 × 9 इस स्टैंडर्ड डायमेंशन है जो कि सेंटीमीटर में। ओके, ये आपको याद होनी चाहिए। ओके, हम इसमें ही आपको क्वांटिटी निकालने में हमें ये हेल्प करेगा। ओके, कैसे हेल्प करेगा जो कि दिखाता हूँ मैं आपको इस वीडियो में। लेंथ विड्थ हाइट। ओके, लेंथ होगी हमें 19 सेंटीमीटर, विड्थ होगी 9 सेंटीमीटर, हाइट होगी 9 सेंटीमीटर। ओके, इसका कन्वर्जन जो कि हमें करना होगा फिट में, क्योंकि हम इसमें लिखा रहे हैं फिट में, तो इसका जो कि फिट में आएगा 0.623 फिट। 9 का आएगा 0.295 फिट और इसका भी आएगा 0.295 फिट। ओके, ये हमें मिल गए। हमें मल्टीप्लाई करना होगा इच अदर से। ओके, जो कि इसका निकलेगा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका मल्टीप्लाई करना है 0.623 इंटू 0.295 इंटू 0.295। इसका आएगा हमें मल्टीप्लीकेशन जो कि होगा 0.054। ओके, बहुत बहुत हमने क्या निकाला, ब्रिक्स की वॉल्यूम जो कि आया है 0.054। इससे हम निकालेंगे आगे नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 क्यूबिक फिट। ओके, सिंपल हमें 1 क्यूबिक फिट में निकालना है, तो 1 जो कि हमारा प्रीवियस आंसर आया था 0.054, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18.51 ब्रिक्स जो कि होगा इन 1 क्यूबिक फिट में। ओके, ये निकाल लिए हमने नंबर ऑफ ब्रिक, पर हम आपको 10% मॉर्टर भी ऐड करना होता है जो कि मॉर्टर कवर, जो कि 1 ब्रिक के आगे जो कि मॉर्टर लगता है यहाँ पे जो कि इसको कनेक्ट करने के लिए, वो हमें 10% हम इसको लेंगे। ओके, जो कि हम 10% लेंगे। ओके, 10% हम इसको सॉल्व करेंगे 18.51 इंटू, जो कि इसका मॉर्टर का 0.85, जो कि हमें क्वांटिटी ऑफ ब्रिक लिखाने में ही मदद करेगा। ओके, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक जो कि है 18 पॉइंट, हम इसको लिखानेंगे 51 माइनस 1.85, जो कि इसका आंसर आएगा ओके 16.66। ये पर एक्चुअल फील्ड में हमें ऐड करना होता है 5% वेस्टेज, लेकिन हमें लेना होगा 5% वेस्टेज जो कि हमारे ब्रिक्स उतारते टाइम निकालते टाइम हमारे ब्रिक्स कुछ टूट जाते हैं या फिर हमारे ब्रिक्स में जो कि क्रैक्स आते हैं, तो हमें 5% वेस्टेज लेना होता है जो कि हमारे जो कि वर्कर होते हैं लेबर, जो कि वो हमारे कुछ गड़बड़ी में या फिर कुछ 5% वेस्टेज होता है, उसके लिए हमें इसको भी कैलकुलेट करना होता है। ओके, 16.66 इंटू 5% क्योंकि वेस्टेज में आएगा 0.833। ओके, 16.66 प्लस जो कि हमारा ये आया है वेस्टेज 5 पॉइंट का, लगभग 1 ब्रिक इसमें वेस्टेज होगी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 17.418 ब्रिक्स होगा। ओके, हमने निकाला सीमेंट सैंड एग्रीगेट और ब्रिक, क्योंकि ये जो ब्रिक्स है वो है टोटल नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फिट में हमारा ब्रिक्स लगेंगे हम आपको 18। ओके, ये तो हमारा हो गया क्वांटिटीज सीमेंट सैंड एग्रीगेट एंड ब्रिक्स की, लेकिन हमें मैंने कहा था शुरुआत में वीडियो में, इस वीडियो में एंड में मैं आपको दूंगा एक थंब रूल। ओके, थंब रूल जो कि क्या कहता है थंब रूल देखते हैं। ओके, थंब रूल
टू कैलकुलेट मटेरियल क्वांटिटी फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन. ओके, अगर आपका घर कोई भी, या फिर आपका फॉर एग्जांपल अगर आप या किसकी किसी का भी घर अगर होगा, उसकी क्वांटिटी हमें इस्टीमेट करना होता है, जो कि रफ एकदम हम आपको घर में बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, कितनी ब्रिक्स लगेगी, कैसे उसको हमें यहाँ पे थंब रूल के माध्यम से भी हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज़ हमें अगर कोई कहता है तो उसकी जगह 1000 स्क्वायर फीट में होगी, स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट उसकी जगह है, उसको उसके बनाने के लिए उसको पूरा पूरा फिनिशिंग पेंट ये वो सब मिला के उसके बाय हैंड की देने के लिए तक, उसको हैंड ओवर घर के किए तक उसको कितना खर्च आएगा, अगर वो हमें पूछेगा तो उसका सिंपल रीज़न है इतना भी स्क्वायर फीट जगह होगी उसको 1000 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो होगा उसका कॉस्ट, जो कि 1000 स्क्वायर फीट की जगह होगी, जो कि एवरेज 1000 जो स्क्वायर फीट की जगह होगी उसको बनाने के लिए 1,00,000 रुपये खर्चा आएगा, जो कि पूरा खर्चा उसमें इंक्लूडेड होगा पेंट से लेके सब कुछ. ओके, पूरा 1,00,000 रुपये खर्चा आएगा. ओके, ये 1000 स्क्वायर फीट के लिए नहीं, अगर वो अगर आता है तो 2000 के स्क्वायर फीट की जगह है तो मल्टीप्लिकेशन के इसके लिए हमें 1000 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो कि आंसर आएगा 20,00,000. ओके, वो लिमिट कितनी लगेगी. ओके ओके, हम आपको कॉस्ट तो पता है पर हमें क्वान्टिटी दिखाना है. ओके, सीमेंट कितनी लगेगी, सीमेंट हमें ओके इसका एग्जाम्पल लेंगे, 1000 अगर स्क्वायर फीट जगह होगी तो याद या 1000 स्क्वायर जगह होगी स्क्वायर फीट याद रखिए स्क्वायर फीट में. ओके, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है 0.4 से, ये वैल्यू को याद रखिएगा 0.4 से इसका जो भी आंसर आएगा वो होगा बैग्स ऑफ सीमेंट. ओके, अगर इसकी जगह पे 2000 स्क्वायर फीट अगर किसी की जगह होगी तो भी मल्टीप्लिकेशन इतना होगा पर इसका वैल्यू होगा 800 बैग्स. ओके ओके, ये हो गया थंब रूल सीमेंट के लिए. ओके, सैंड के लिए क्या कुछ थंब रूल है? जी हाँ, सैंड के लिए भी थंब रूल है. सैंड के लिए जो थंब रूल है वो है जितनी भी स्क्वायर फीट उसकी जगह होगी टोटल बिल्ट अप एरिया, जो कि मैं बात कर रहा हूँ ये जो है बिल्ट अप एरिया. ओके ओके, एग्रीगेट और सैंड हमारा 1000 इसकी जगह सैंड के लिए होगा ये थंब रूल, ये सीमेंट के लिए 0.4, सैंड के लिए होगा 0.816, जो कि इसका आंसर आएगा 8116 टन. ओके, एग्रीगेट की जो कि होगी 1000 स्क्वायर फीट की जो जगह है इसके लिए होगा 0.608. ओके, हमने निकाला सीमेंट सैंड एग्रीगेट. हम निकालेंगे अब ब्रिक्स, जो कि ब्रिक्स में को भी थंब रूल अप्लाई हो सकता है. ब्रिक्स का जो थंब रूल है वो है 1000 स्क्वायर फीट जगह है इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 8 से. ओके, 8 से मल्टीप्लाई करते वो हमें ब्रिक्स की क्वांटिटी आएगी, जो कि हमें 1000 स्क्वायर फीट में ब्रिक्स लगेंगे, 8000 ब्रिक्स हमें लगेंगे, 1000 जगह पे हम आपको 8000 ब्रिक लगेंगे. अगर इस हिसाब से 1 स्क्वायर फीट में अगर कोई पूछेगा तो हम मैं बता देता हूँ 1 स्क्वायर फीट में 8 ब्रिक्स लगते हैं. ओके, ये था थंब रूल जो कि 80-85% इसका एक्यूरेसी है. ओके, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच. इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा. तब तक के लिए जय हिंद.